नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं आपकी बात। अब हम बात करेंगे व्यापम के इलेक्शन कनेक्शन की। फर्जीवाड़े के लिए बदनाम व्यापम हर 4 या 5 साल के बाद सरकार के लिए तारणहार बनकर सामने आता है। कैसे बनता है वो ये तारणहार, आज सबूतों के साथ इसका खुलासा आपके सामने करेंगे। इस खुलासे में व्यापम का इलेक्शन कनेक्शन साफ साफ हमको भी नजर आया और आपको भी दिखेगा। आईवीएस 24 के हाथ में एक ऐसी रिपोर्ट लगी है जिससे ये साबित होता है कि हर बार चुनाव से पहले सरकार भर्ती पॉलिटिक्स करती है। सबसे पहले देखिए इसी जुड़ी ये स्पेशल रिपोर्ट। आईबीसी 24 के हाथ एक ऐसी रिपोर्ट लगी है जिससे साबित होता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने इस संस्थान का चुनावी फायदे के लिए भरपूर इस्तेमाल किया है। आईबीसी 24 के हाथ लगी इस रिपोर्ट के मुताबिक सरकार हर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले व्यापम के जरिए ज्यादा से ज्यादा भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराती है, पर जैसे ही चुनाव निपटते हैं आगे के 3-4 साल तक नौकरी के नाम पर केवल सन्नाटा ही होता है। कुछ उदाहरणों से इस बात को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक व्यापम ने 2006 में कुल 12 परीक्षाएं आयोजित की, लेकिन सब के सब एंट्रेंस एग्जाम थे। उनमें से एक ही परीक्षा नौकरी के लिए थी। 2007 में व्यापम ने कुल 13 परीक्षाओं का आयोजन किया जिनमें महज 2 परीक्षाएं भर्ती के लिए थी। इसके बाद चुनाव का वक्त आया तो सरकार ने 2008 में नौकरी के लिए संविदा शिक्षक तीनों वर्ग सहित जेल प्रहरी और पटवारी तक की भर्ती परीक्षाएं आयोजित की। चुनाव खत्म हुए तो व्यापम फिर वही पुराने ढर्रे पर आ गया, लेकिन 3 साल बीतते ही सरकार एक बार फिर एक्शन में आई। 2012 में रिकॉर्ड तोड़ 18, जबकि 2013 में नौकरी के लिए थोक 16 परीक्षाएं आयोजित की गईं। 2013 के बाद फिर 3 साल तक खामोशी छाई रही। 2014, 2015 और 2016 में भर्ती परीक्षा 1-2 ही हुई। फिर चुनावी चाप सुनाई पड़ी तो 2017 में अलग अलग विभागों की 14 भर्ती परीक्षाएं हुई। इस साल की बात करें तो 2018 शुरू हुए पूरे 2 महीने ही नहीं हुए हैं कि सरकारी नौकरी के लिए अब तक 10 परीक्षाएं शेड्यूल्ड हो गईं। इसमें 47,000 शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा अभी शामिल भी नहीं है। इसे देखते हुए कांग्रेस का आरोप है कि सरकार व्यापम का उपयोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कनेक्शन के लिए इस्तेमाल करती है। अब आप मुख्यमंत्री से आज जो मांगेंगे वो नंबर 2018 के पहले हाँ बोलेंगे, कब पूरा करेंगे कैसे पूरा करेंगे नहीं बताएंगे, और यही इस मामले का कैच है। जो 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 गड़बड़ जाला जो गोलमाल है वो यही है। आप देखेंगे तो जब चुनावी साल नहीं था तब भी भर्तियां मध्य प्रदेश की बात अगर मैं करूं तो चलती रही हैं, और जब होती हैं तो भर्ती, आप जैसे मान लीजिए अभी हमने 9,000 पटवारी भरे, अब संयोग से जब डिमांड आई भरे और भरते भरते चुनावी साल आ गया तो इसे क्या कहेंगे? ओके, वो चुनाव तक ही रहेंगे, चुनाव के बाद खत्म हो जाएंगे। ये मानसिकता, देखो विरोध करना है तो विरोध करिए। आप सरकार की इस अवसरवादी नीति के चलते प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या आसमान तक पहुंच गई है। ये शिवराज सरकार सिर्फ उन्हीं वर्ष में भर्तियां निकालती है जिस वर्ष में चुनाव होता है। ये पूरा का पूरा मामला इनका ये है, युवाओं को बहलाने के लिए चुनावी वर्ष में भर्तियां निकालते हैं ताकि इनका वोट बैंक एक तैयार हो सके। युवा वोटर्स को नौकरी देकर उन्हें अपने पक्ष में लाना आसान है, बीजेपी सरकार खामोशी से ये करती रही है। उनका ये फार्मूला कामयाब भी रहा है, पर क्या नौकरी को एक चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करना जायज है? क्या युवाओं की नौकरियों को चुनावी साल तक अटकाए रखना सही है? ये सवाल बीजेपी सरकार से पूछे जाने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में हैट्रिक बनाने के बाद बीजेपी की सरकार ने 2014 में सिर्फ 2700 बेरोजगारों को नौकरियां दी, 2015 में 12,000 लोगों को नौकरियां दी गईं, जबकि 2016 में सिर्फ 21,000 बेरोजगारों के लिए नौकरियां निकाली गईं। 2017 की शुरुआत में सरकार चुनावी मूड में आई और इस साल 34,000 नौकरियां निकाली गईं। अब 2018 में सरकार पूरी तरह से इलेक्शन मूड में है।
और इसलिए अब व्यापम का इलेक्शन कनेक्शन भी सामने आने लगा है और इस साल 1,00,000 नौकरियां निकालने का ऐलान किया गया है। कैमरामैन अमरीश के साथ राकेश चतुर्वेदी, IBC 24 भोपाल। सबसे बड़ी बात यह कि नौकरियां जब भी निकलें युवाओं के लिए मौका होता है, अवसर होता है, युवा खुश होते हैं, तन्मयता से उस बात की तैयारी करते हैं, लेकिन अगर उसमें किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी की शिकायत मिलती है या पता चलता है तो उतने ही निराश भी होते हैं, उतने ही आक्रोशित भी होते हैं। जो व्यापम का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा उसको छोड़ करके केवल उसका इलेक्शन कनेक्शन अगर आप इसी पर फोकस करते हैं तो इसमें सरकार का ये तर्क कि ये नौकरियां तो आगे भी चलने वाली चुनाव से, लेकिन बीते 2 या 3 सालों में जो ओवर एज हो चुके लोग हैं जिनके लिए अवसर तब खुल जाते तो शायद बेहतर स्थितियां बनती, इस बात का जवाब भी युवा उनसे मांगते हैं। हमारे साथ में 3 बहुत खास मेहमान हैं। परिचय सबसे पहले आपसे कराते हैं। मृणाल पंत जी हैं, सचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, बहुत स्वागत है आपका। कृष्ण गोपाल पाठक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अक्षय उनका जी हैं, संयोजक हैं बेरोजगार सेना के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अक्षय। आप तीनों से आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कृष्ण गोपाल पाठक जी से ही सवाल है। कृष्ण गोपाल जी, ये अवसर तो आप निकालते हैं लेकिन चुनावी साल में निकालते हैं और बाकी के सालों में उतने युवाओं को मौका नहीं मिलता जो डिजर्व भी करते हैं, जो प्रदेश के नागरिक भी हैं, जो वोट भी करते हैं। देखिए पुनीत जी, यह कहना सरासर बेमानी बात होगी कि सिर्फ चुनावी साल में हम लोग नौकरियां निकालने का काम करते हैं। जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है आज लगभग 14 साल हो चुके हैं। इन 14 सालों में हमने लगातार विभिन्न नौकरियों में परीक्षाओं का आयोजन किया है और लोगों को जहां जहां आवश्यकता पड़ी है सरकारी विभागों में नौकरी पर रखवाया है। सरकार ने अपना काम चलाने के लिए अपना दायरा बढ़ाया है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो उनका तो एक हमेशा यही कहना है, अगर हम काम करें तो भी ठीक नहीं है, नहीं करें तो भी ठीक नहीं है। अभी तक ये चिल्लाते थे, बोलते थे कि भाई सरकारी नौकरियों में युवाओं को स्थान क्यों नहीं मिल रहा है, जब मिल रहा है तो उनका यही एक नया विचार सामने आ गया कि चुनावी साल में क्यों मिल रहा है। अरे भैया, यह लगातार 14 सालों से मध्य प्रदेश में प्रक्रिया लगातार चली आ रही है। चलिए कृष्ण गोपाल जी, विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। कृष्ण गोपाल जी, उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी पूरी स्पेशल रिपोर्ट देखी होगी, ध्यान से देखी होगी, राजनीतिक चश्मे से ना देखें। जी कृष्ण गोपाल जी, उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी पूरी रिपोर्ट ध्यान से देखी होगी। ये अवसर खुलना या नौकरियां मिलना या युवाओं को मौका मिलना, इसमें शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साफ तौर के ऊपर ये चुनावी वर्ष में डबल ट्रिपल हो जाना और उसके बाद वास्तविक तौर पर कितनों को मिल रही है इसके भी आंकड़े हमने रिपोर्ट में दिखाए। चलिए मैं सबसे ये सवाल पूछता हूं मृणाल जी, साफ तौर के ऊपर विपक्ष को आखिर आपत्ति क्या है? नौकरी नहीं देती सरकार तो दिक्कत है, अब जब दे रही है भले चुनावी साल में सही तो क्या दिक्कत है? उत्तर दीजिए इस बात का। हमें कोई तकलीफ नहीं है, सरकार नौकरी निकाले ये मांग तो हम पिछले 4 साल से करते आ रहे हैं, पर आपत्ति इस बात पर है कि जो मुख्यमंत्री जी प्रदेश की जनता से ये वादा करके आए थे कि हर साल 5,00,000 बेरोजगारों को वो नौकरी देंगे, उस भर्ती की परीक्षाएं आयोजित नहीं कर रहे हैं। 1 साल में 10,000-20,000 लोगों को भी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, तो क्या हम बेरोजगारों की लड़ाई लड़ते हुए मुख्यमंत्री जी से उनकी असफलता याद दिलाते हुए सवाल भी नहीं पूछे? हम उनको याद नहीं दिलाएं कि आज आपकी सरकार बने हुए, तीसरे टर्म की सरकार बने हुए 5 साल पूरे हो गए और जो वादा पूरा करने की शुरुआत आपको पहले साल से करनी चाहिए थी वो भी आप रोते गिरते उठते पिटते चुनाव के ठीक पहले उसमें से जो थोड़ी बहुत नौकरियां निकाल रहे हैं वो भी गिनती की नौकरियां निकाल रहे हैं। अगर पिछले 5 साल को के बैकलॉग को देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सरकार को कम से कम 12,00,000 नई नौकरियां निकालनी चाहिए, जिन नौकरियों के पहले इंटरव्यू हो चुके हैं और जिनको आज तक भर्ती और ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है उनको भर्ती और ज्वाइनिंग कराई जानी चाहिए। और ये क्या मजाक है, भर्ती हो रही है, परीक्षाएं हो रही हैं, परीक्षा की फीस के नाम पे हजारों रुपए बेरोजगार छात्रों से ले लिए जाते हैं और उसके बाद व्यापम की वही भर्ती परीक्षा रद्द कर दी जाती है। अरे हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार को याद दिलाएं कि उसका नौकरियों में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। व्यापम में जो लगातार होता आ रहा है वो सब लोगों ने देखा है, वो फिर मध्य प्रदेश में नहीं होना चाहिए। इस आरोप का उत्तर देंगे, नौकरियां मिलनी चाहिए और उनकी लड़ाई लड़ना हमारा अधिकार है।
देखिए पुनीत जी, सब जानते हैं कि 2000 साल के पहले भर्तियों का और नौकरियों का मध्य प्रदेश में क्या हाल था। भ्रष्टाचार चरम सीमा को छू चुका था। जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान बने हैं, उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को व्यावहारिक भी बनाया है, साथ में ईमानदार भी बनाया है, और उसी का परिणाम है आज कि मध्य प्रदेश में योग्यता के आधार पर नौकरियां सृजित हो रही हैं, लोगों को उनमें अवसर काम करने का अवसर मिल रहा है। आप, मैं कांग्रेस से पूछना बोलना चाहता हूं कि आप बिल्कुल सवाल पूछें, आपका हक बनता है, लेकिन जब भी सरकार कोई भला काम करना चाहती है आप उसमें चुनावी राजनीति नहीं, वो तो कह रहे हैं आप भला काम करिए, हर साल करिए, लाखों में करिए, विकास में, युवाओं के विकास में। वो ये नहीं कह रहे हैं कि भला काम मत करिए, वो ये कह रहे हैं कि भला काम करिए, हर साल करिए, अपने वादे के मुताबिक करिए और लाखों में करिए और ज्यादा लोगों का भला करिए। वो तो ये कह रहे हैं, वो कहां कह रहे हैं कि भला करने में दिक्कत है। पुनीत जी, जी साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो अवसर मिल रहे हैं वो प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को मिले। ऐसा मत करिए कि भर्ती परीक्षाएं तो आपने निकाल दी लेकिन पूरे देश के नौजवानों के लिए खोल दी। ठीक है। और मध्य प्रदेश के जो बेरोजगार 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि अब उनको मौका मिलेगा, अब उनको अवसर मिलेगा, लाखों की तादाद में लोग परीक्षा की, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करके बैठे हुए थे, उनको जो छोटा सा अवसर उनके हाथ में आता हुआ दिख रहा है वो भी आपने भर्ती परीक्षा को इतना व्यापक कर दिया। दूसरे राज्य सारे लोगों को मौका मिल रहा, प्रदेश के लोग कहां, प्रदेश के बच्चे कहां जाए कि केवल स्थाई प्रदेश के रहने वाले लोगों को अवसर मिलेगा। ठीक है, अक्षय से मैं पूछता हूं, अक्षय क्या स्थिति आप देखते हैं प्रदेश में, और खास तौर से व्यापम की भर्ती को लेकर के। घोटालों को अलग कर दें, जो तमाम मामले उनको अलग कर दें, लेकिन जितनी संख्या में रोजगार देने का वायदा था और जितनी नौकरियां निकाली गईं और ये जो कनेक्शन निकल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में युवाओं को वो चीज मिल पा रही है जिसका प्रॉमिस होता है? नहीं, देखिए मेरा बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मानना है कि किसी भी सरकारी संस्थान का इससे ज़्यादा दुरुपयोग का मामला कभी सामने नहीं आया होगा। लगातार जो हर साल नौकरियां निकलनी चाहिए थी, आप अपने चुनावी फायदे के लिए, सरकार कोई सी भी हो रही हो, अभी तो पिछले 14 सालों से मध्य प्रदेश में चूंकि भाजपा की सरकार है और ये पूरा मुद्दा भाजपा सरकार के सामने आया, तो मैं उसी के लिए बोलूँगा कि पिछले 14 साल में जब चुनाव आते हैं तो अचानक ऐसा कैसे होता है कि प्रदेश के अंदर नौकरियाँ बढ़ जाती हैं, और जब चुनाव नहीं होता है तो नौकरियाँ नहीं बढ़ रही होती, नौकरियाँ अचानक से सिकुड़ करके रह जाती है, और ये पिछले 3 टर्म से हो रहा है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि पटवारी जैसा एग्जाम जिसमें काफी भर्तियां निकलती हैं वो चुनावी सालों में होता है। 2008 में पटवारी का चुनाव का एग्जाम हुआ, फिर सीधे 2012 में हुआ, फिर सीधे 2017 में हुआ। तो पटवारियों का और चुनाव का आपस में क्या रिलेशन है? स्वाभाविक सी बात है कि चूंकि जहां नौकरियां ज्यादा हैं तो उनको रोक करके रखा जाता है कि हम 4-5 साल के बाद में इलेक्शन ईयर में दिखा रहे होंगे। दूसरी बात, जो प्रदेश के बाहर के लोगों की समस्या है वो तो एक समस्या बड़ी है ही, लेकिन इसके अंदर ही अगर आप देखेंगे लगातार, तो जिस प्रकार से सरकार ने एक संस्थान का दुरुपयोग किया है और युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। मान लीजिए मैं 2012-13 में 14 में किसी एग्जाम के लिए एलिजिबल होता बिकॉज ऑफ माई एज और बाकी कारणों से, और 2017 आते आते मैं उसमें एलिजिबल नहीं रह जाता, तो मेरा तो चांस सिर्फ इसलिए चला गया क्योंकि राजनीति हो रही है। तो इस प्रकार तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे युवाओं के साथ हुआ, और साथ में जिन लोगों को 2 साल पहले नौकरी, जो ओवरेज नहीं भी हुए, जो सिलेक्ट भी हुए हैं, उन्हें भी शायद वो नौकरी 2-3 साल पहले मिल सकती थी। तो जो 2-3 साल वो प्रताड़ित हुए होंगे मानसिक तौर पर, जो उनकी मानसिक स्थिति रही होगी और उसके कारण उन्होंने पता नहीं कौन कौन से कदम उठाए होंगे, उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? स्पष्ट तौर पर व्हाइट पेपर लाना चाहिए और बोलना चाहिए कि इसके पीछे ये गड़बड़ है। पुनीत जी, आज मैं बड़ा प्रसन्न होकर आया था कि आज जो मध्य प्रदेश सरकार इस साल में भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, बेरोजगारों को नौकरियों में रखेगी, तो मेरे कांग्रेसी मित्र मृणाल जी और बेरोजगार सेना से अक्षय जी बड़े ही प्रसन्न होकर इसका स्वागत करेंगे, लेकिन मैं आज इनका व्यवहार देखकर यहाँ निराश हूँ, और मध्य प्रदेश के युवाओं को बोलना चाहता हूँ कि आपको कोई कितना भी भ्रमित करने का प्रयास करे, आपके फायदे में कोई कितनी भी टांग अड़ाने का काम करे, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों को अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। हम लगातार अभी इन आंकड़ों में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ,
स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के संख्या दर्ज नहीं की गई है, बताई नहीं गई है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वही भी हम बहुत जल्दी करने वाले हैं, लगभग 50,000 शिक्षकों की भर्तियां मध्य प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में की जाएंगी। आप कह रहे हैं कृष्ण गोपाल जी, आप इसे खुश रहा करिए, हमेशा आप खुश रहा करिए, पूरा करेंगे, आप हमेशा खुश रहा करिए, कोई दिक्कत नहीं। अक्षय कुछ कहना चाह रहे हैं, अक्षय जी। नहीं देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये 50,000 भर्तियां इस साल क्यों, 2013 में क्यों नहीं, 14 में क्यों नहीं, 15 में क्यों नहीं, 16 में क्यों नहीं, चुनाव आते साथ ही इतनी बड़ी भर्तियां निकल रही हैं। जो दूसरी समस्या ये है कि अभी आप एग्जाम्स को लेकर के सरकार कितनी सीरियस है, आप इसका नज़ारा अभी कल के रिजल्ट के साथ देख सकते हैं। MPPSC का एग्जाम होता है, MPPSC के एग्जाम की मॉडल आंसर शीट निकलती है और उस मॉडल आंसर शीट में 17 सवालों के जवाब गलत, मतलब जिसने सही जवाब दिए हैं उसको अब जाकर के 100-100 रुपये के हिसाब से 1700 रुपए जमा करना पड़ेगा प्रत्येक स्टूडेंट को, यह साबित करने के लिए कि मेरा सवाल का जवाब सही था। मतलब जिस प्रकार से आप पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश के युवा पूरी तरह से जाग चुके हैं और आज अब ये आपकी इन बातों में नहीं आने वाले। हमारा बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना है कि जब तक सरकार का आप सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करेंगे, युवाओं को यह सब समझ में आने सरकारी तंत्र का और एक संस्था का दुरुपयोग हो रहा है, पर क्या पता नहीं कि आप किसी भी वक्त में नौकरियां निकाल सकते हैं, लेकिन जो बाकी वक्त आप कम निकालते हैं, नहीं निकालते हैं, उस समय जो लोग ओवर एज हो रहे हैं उनका सवाल कौन सॉल्व करेगा। मृणाल जी एक सवाल उठाया था कि विपक्ष को खुश होना चाहिए, विपक्ष को दिक्कत क्यों है और भ्रमित भी कर रहे हैं युवाओं को। बिल्कुल नहीं, मैं तो जो वास्तविकता है वो जनता के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये सरकार लगातार हर वर्ष 2,00,000 नौकरियां निकालती तो 5 साल के कार्यकाल में 10,00,000 नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार मिलता। लेकिन कभी 25,000 कभी 30,000 नौकरी निकाल के आखिरी साल में अगर ये कहा जा रहा है कि 1,00,000 नौकरियां निकली, तो असल में 1,00,000 नौकरियां नहीं निकली है। वास्तविकता यह है कि 7,00,000 बेरोजगारों का हक और उनकी नौकरियां ये सरकार खा गई है और वो 7,00,000 बेरोजगारों का हक खाने को ये कहते हुए छिपाया जा रहा है कि देखिए हमने तो इस साल 1,00,000 नौकरियां निकाली। एक दूसरा सवाल यह है कि कितना ही अच्छा कोई भी संस्थान हो, खैर व्यापम के बारे में तो सब जानते हैं कि वो कैसा संस्थान है, पर अगर मान लिया जाए कि बहुत अच्छा संस्थान भी है परीक्षा आयोजित करने वाला, तो जब नियमित तौर पर वो फोकस होकर काम करता है तो परीक्षा प्रणाली अच्छी होती है। जब एक साथ इतनी परीक्षाएं आयोजित करती हैं तो कभी सर्वर बैठ जाता है, कभी फॉर्म समय पर नहीं आते, कभी लिस्टिंग ठीक नहीं होती, और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो ये कि भ्रष्टाचार करने का अवसर ऐसे समय पे मिलता है जब बड़ी संख्या में नौकरियां एकदम निकाली जाएं, ताकि लोग उस पर ध्यान नहीं रख सकें, ताकि ट्रांसपेरेंसी नहीं हो, ताकि जवाबदाही नहीं हो, ताकि चुनाव के शोर में बड़ा खेल दब जाए और आम आदमी आम रोजगार अपने लिए इंसाफ नहीं मांग सके। जी पाठक जी, क्या मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, हमारे KD भाई बैठे हुए हैं, क्या अंतिम समय में नौकरियां निकाल के चुनावी तैयारी और चुनावी फंड जुटाने का प्रयास तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं किया जा रहा? पाठक जी उत्तर दीजिए अब इन बातों का। पुनीत जी, मैं मृणाल जी को बड़े इत्मीनान से सुन रहा हूँ। पुनीत जी, मैं मृणाल जी को बड़े इत्मीनान से सुन रहा हूँ और उनको ये बोलना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश का युवा रोजगार चाहता है, राजनीति नहीं चाहता है। मध्य प्रदेश का युवा अवसर चाहता है, उसको कोई अवसर दे तो उसमें अड़ंगेबाजी नहीं चाहता है। 2005 से 2014 के व्यापम घोटाले में भी चाहता था वो। अब चुनाव आ गए हैं, ये 4 साल तक तो जनता के बीच कभी गए नहीं, आज इनको मालूम ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या काम किए हैं, ना ये कभी गांव में गए, ना इन्होंने खेतों की पगडंडी देखी। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार प्रतिवर्ष इन परीक्षाओं का आयोजन कर रही है। अभी अभी मैंने आपकी रिपोर्ट देखी, आपने परीक्षाएँ बताई हैं किस सन में कितनी हुई, लेकिन मैं यहाँ पर उसको आगे बढ़ाते हुए संख्याएँ भी बताना चाहता हूँ। 2014 में भी हमने 53,000 से ज़्यादा फार्मों पर 47,000 से ज़्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षाओं में हिस्सा लेकर नौकरियां पाई हैं। 2015 में वह संख्या बढ़कर लगभग 1,60,000 पहुंच गई है। 2016 में
143,000 पहुंच गई है, लगातार आयोजन हो रहा है इन परीक्षाओं का। ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं, थोड़ा सा इस पर चर्चा होनी चाहिए। आप भ्रमित करके कोई भी आंकड़े दे दीजिए, आपकी वेबसाइट जो है व्यापसर, नहीं 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 पुनीत जी देखिए, आप जब इसके सामने बैठे हुए हैं, लोगों के सामने बात कर रहे हैं, तो गलत आंकड़े पेश करना बहुत बड़ा गुनाह है, गलत आंकड़े पेश करना पूरी तरह से गुनाह है। आप मुझे उसका सोर्स बता दीजिए जो इन्फॉर्मेशन आई है, ये जो रिपोर्ट चल रही है वो तो स्पष्ट सोर्स के साथ में है, यहाँ वो ये व्यापम के एग्जाम के ऊपर दी हुई है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जो आप डेटा चला रहे हैं वो सारा का सारा डेटा तो व्यापम की वेबसाइट पर उपलब्ध है, लेकिन ये जो डेटा है ये डेटा आया कहाँ से है? 1,50,000 लोगों की नौकरी अगर लग रही होती तो मध्य प्रदेश के अंदर युवा नाच रहा होता, मध्य प्रदेश के अंदर युवा रो नहीं रहा होता। भाई साहब, युवा आपसे बड़ी विनम्रता, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ पाठक साहब, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी रखे सत्य रखे, असत्य बोल करके, असत्य बोल करके असत्य की राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी। युवा को समझ में आ रहा है, मैं लगातार तो राजनीति ही नहीं करता सर, मैं तो राजनीति ही नहीं करता हूँ, असत्य और सत्य तो बात की बात है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ मध्य प्रदेश के युवाओं की, मैं युवाओं को भ्रमित करके मुझे क्या मिलने वाला है? नहीं, तो राजनीति की प्रयोगशाला में नया प्रयोग करने आए थे और आप फेल हो चुके हैं। आप मध्य प्रदेश के लोगों, कृष्ण गोपाल पाठक जी, मैंने कृष्ण गोपाल पाठक जी, आप मुझे आंकड़ों पर काट दीजिए, कृष्ण गोपाल जी आप मुझे आंकड़ों पर काट दीजिए, आपने अक्षय 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 मैं अपनी बात मान लूंगा। अक्षय, मैं आपका सवाल दोहरा देता हूँ एक बार, कृष्ण गोपाल पाठक जी वो ये कह रहे हैं कि आंकड़ों के सोर्स आप बता दें, ये तो व्यापम की साइट से मिले हुए आंकड़े थे परीक्षाओं के जो हमने रख दिए, जो पूरी तरह ऑथेंटिक हैं। आपके स्रोत बता दीजिए कि कितने लोगों को कहां किस डिपार्टमेंट में नौकरी मिली है। अब चूंकि वक्त कम है, आप केवल स्रोत बता दीजिए तो वो चेक कर लेंगे। देखिए, लगातार मध्य प्रदेश सरकार इन परीक्षाओं का आयोजन करती रही है, समय समय पर लोगों को जहां जहां आवश्यकता होती है रोजगार उपलब्ध कराती रही है। मैं अभी मेरे मित्र को एक भ्रमित करने वाली सुन रहा था कि हम कोई राजनीति से नहीं आए। अरे भैया, आप भी राजनीति से आए, वैसे यूथ का इंटरेस्ट नहीं कि वो कहां से आए, यूथ का इंटरेस्ट है आंकड़े कहां से आए करके आए थे। आप फेल हो गए हैं, आप उसमें असफल रहे हैं। हम लगातार सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, पुनीत जी कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। इस सवाल का जवाब इंटरेस्ट नहीं है कि अक्षय कहां से आए, ये ज्यादा उनको इंटरेस्ट है कि आंकड़े कहां से आए। चलिए चलिए, समय निकल रहा है, मृणाल जी आप कुछ कहना चाहते हैं इस स्थिति पर? वास्तविकता ये है पुनीत जी, वास्तविकता ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि 5 साल पहले शासकीय कर्मचारियों की मध्य प्रदेश में जो संख्या थी वो पुरानी संख्या से लगभग 30,000 कर्मचारी कम हो गए हैं। अब अगर कर्मचारियों की संख्या प्रदेश में कम होती जा रही है तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि नौकरियां आई कहां से, कैसे नौकरी दी जा रही है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, हम हर रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं कि 6 और 8 पदों के लिए 8-8, 9-9 हजार नौजवान आवेदन कर रहे हैं। बेरोजगारी की भीषण स्थिति शायद भारतीय जनता पार्टी को और मुख्यमंत्री जी को नहीं मिल रही। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, कृपया जनता से झूठ बोलना बंद करें, अपने वादों को पूरा करें। रोजगार के वादे के साथ साथ जो 22,500 झूठी घोषणाएं हैं उस पर भी कृपा करके काम करें। और चलिए, आज का जो हमारा कार्यक्रम था, वैसे हमारी उम्मीद ये थी कि ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन के द्वारा केवल हम ये बात सामने रखना चाहते थे, मृणाल जी, अक्षय और साथ में पाठक जी, कुल मिलाकर हम इस बात को सामने रखना चाहते थे कि अगर आप इतने ही अवसर प्रति वर्ष निकालें, क्योंकि अवसर तो हैं, प्रदेश में नौकरियों की जरूरत है, डिपार्टमेंट में कद खाली पड़े हुए हैं, बाहर युवाओं की एक लंबी चौड़ी फौज है, अगर आप 9,000 पद बताते हैं तो इनके लिए कितने सारे, कितने लाखों लोगों ने आवेदन किए, इसके आंकड़े भी सबके सामने हैं। थोड़ा सा उस पर भी गौर करें, अगर आप आंकड़ों की बाजीगरी करेंगे तो शायद युवाओं को कुछ नहीं मिल पाएगा, युवाओं को कुछ मिले इस बात की चिंता हो तो बेहतर है। आज के कार्यक्रम का हमारा लक्ष्य यही था, इस चर्चा का। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए हमारे साथ। नमस्कार।